अपनी तीसरी शादी को लेकर चर्चा में आए शोएब मलिक अब मुसीबत में घिर चुके हैं। शोएब मलिक पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगना अपने आप में आम बात होती चली जा रही है। शोएब मलिक बांग्लादेश प्रीमियर लीग यानी कि बीपीएल में मैच फिक्सिंग के आरोप में फंसे पड़े, जिसके चलते खबर ये आ रही है कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, टीम ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। दरअसल 22 जनवरी को बीपीएल में खुलना टाइगर्स और फॉर्चून बारिशल की तरफ से मुकाबला खेला गया। मुकाबले में फॉर्चून बारिशल की तरफ से शोएब मलिक खेल रहे थे। पहले बल्लेबाजी फॉर्चून बारिशल की टीम ने करी थी, रन भी ठीक ठाक बना दिया था, 180 रन से ज्यादा बना दिए, रन बचाने की बारी थी। और ओवर टीम की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए शोएब मलिक ने एक ही ओवर में 3 नो बॉल डाले, जिसके बाद से चर्चा आम हो गई। सोशल मीडिया पर ये ओवर बहुत वायरल होने लग गया, जिसमें एक तो काफी बड़ी बड़ी नो बॉल वहां पर शोएब मलिक ने करी थी। स्पिनर जब नो बॉल डालता है तो अपने आप में बड़ी कहानी यही हो जाती है। इस ओवर की अगर बात कर ली जाए तो शोएब मलिक ने जो चौथा ओवर डाला वो कुछ इस तरीके का था। शोएब मलिक की पहली और दूसरी गेंदों पर 5 रन आए, इसके बाद तीसरी गेंद डॉट बॉल चली गई, चौथी गेंद जो थी वो नो बॉल रही जिसको उन्होंने फिर से डाला, उस पर कोई रन नहीं बना। पांचवी गेंद डॉट रही लेकिन ओवर की आखिरी गेंद जो थी वो उन्होंने 2 बॉल नो बॉल वहां पर डाल दी, जिसके बाद अगर आप देखें तो वहां पर बाउंड्री भी आ गई और उस ओवर में अगर आप देखें तो टोटल 18 रन आ चुके हैं। और जिसके बाद से ही ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या शोएब मलिक ने मैच फिक्सिंग की है, और इस तरीके से ऐसी लीग पर भी सवाल उठना शुरू हुआ। जिसके बाद अब खबर निकल कर सामने आ रही है कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में इस बात को लेकर एक्शन लिया गया है और शोएब मलिक का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रद्द कर दिया गया है। हाल ही में आपको बता दें कि अपनी तीसरी शादी करके शोएब मलिक चर्चा में आए थे, जहां उन्होंने सना जावेद से तीसरी बार शादी करी और इसके अलावा उनकी जो दूसरी पत्नी सानिया मिर्जा को उन्होंने तलाक दे दिया। खबर सानिया मिर्जा की तरफ से भी आई कि देखिए शोएब मलिक ने तलाक नहीं दिया बल्कि सानिया ने पहले ही उनको छोड़ दिया था। बाकी आप क्या सोचते हैं इस तरीके की जो लीग हो रही है, चाहे वो बीपीएल की बात कर ली जाए या फिर बाकी लीग की बात करी जाए, इनकी प्रमाणिकता पर कितना संदेह है? कमेंट करके अपना जवाब जरूर दें। फिलहाल आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत